भाई सिंगापुर पहुंच गए हैं। आपको बोला था ना, सिंगापुर आने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन में आपके साथ क्या होगा, क्योंकि जो इमिग्रेशन में हमारे हम 14 बंदे थे, 14 में से 3 बंदों को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे पर प्रॉब्लम भी है। तो भाई साढ़े डॉक्टर है, एक डॉक्टर का कहना एक साढ़े कन के झगाड़ निकल गए, कहना कन फटने वाले हो गए। फस्ट टाइम जदों फ्लाइट च जो फ्लाइट टेक ऑफ करता ना तो ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੇਨ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਸ ਜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਕਾਰਡ ਹੈਡਿਕ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈਡਿਕ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਥ ਮੇਂ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗੇਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਰਹਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੀ ਲਾਈਟ ਲਾਈਫ, ਯੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਭਾਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਯਹੀਂ ਪੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर जैसे भी है आपको दिखाएंगे गैंगलैंड, ठीक है ना। और ये इमिग्रेशन हो गया एकदम क्लियर, और इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा मेरे से, तो बाकी दो तीन थे, रिपन जी थे, लखवीर था, उनसे थोड़ा मोटी क्वेश्चन की, मैं भी ट्रैवल हिस्ट्री का फ़र्क था, मेरे से कुछ उन्होंने पूछा भी नहीं, और उसके बाद में मैं भाग के आया हूँ जल्दी से, जिनसे ड्रोन लेना था ना उनसे, क्योंकि वो उनकी फ्लाइट थी बिजनेस क्लास में, तो उनको पहले एग्जिट मिली, पहले उनका वो हो गया इमिग्रेशन हो गया, तो उनके बैग में मेरा सामान था ना, तो इसलिए अभी उनके पास जा रहा हूँ सामान लेना है, ठीक है। एस जी अराइवल पास 100% आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम 100% ही आएगी, यहाँ पर आप स्टक हो जाओगे, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन है बनाने की, आप यहाँ पे बना सकते हो पर स्टक हो जाओ, इससे अच्छा इंडिया से या किसी भी कंट्री से चलने से पहले एसजीए पास बना के आओ, हेल्थ डिक्लेरेशन का कंफर्म करके आओ, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी, ये जो मेन चीज़ है ना वो आपको लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो आपका इमिग्रेशन हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। भाई सिंगापुर पहुँच गए हैं, आपको बोला था ना सिंगापुर आने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन में आपके साथ क्या होगा, क्योंकि जो इमिग्रेशन में हमारे हम 14 बंदे थे, 14 में से 3 बंदों को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे पर प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बाकियों को हमसे कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, थोड़े मोड किससे पूछे, पर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए लखविंदर भाई जी से पूछे गए, ठीक है, सैड दिल्ली जाके पुप्पड़ जी से तो पूछे गए, ठीक है, सैड दिल्ली जाके सिद्धू तो भाजी उन्होंने सिद्धू हाँ इन्हों तो भी पूछे गए, हूँ ये दसणगे भी ईजी है सिंगापुर तक इमीग्रेशन हर ली, यह नहीं भी यार किसी का तुक्का भी लगता, सारे सीधे भी निकलते बिना पूछे निकलते, पर इन्होंने रोक लिया सी तो की पूछा भाजी तेजे तो कि डिटेल काफ़ी डिटेल बहुत डिटेलिंग ली एक्चुअली होटल कन्फर्मेशन जोड़ा अपना मतलब जिम्मे स्टार्टिंग तो लैके एंड तक पूरी डिटेल ली ए टू जेड डिटेल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.5 to 2 hours सू उ बिठा के रखा पूरी डिटेल लैन तो बाद पूरी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने असी प्रोवाइड करवाई है, इवन दैन कि मेरा ऑक्यूपेशन मेरा बिजनेस सर्टिफिकेट तक उन्होंने चेक किया जी, जब उस तो बाद सारा क्लीयरेंस होया तो फिर उस तो बाद उन्होंने सानू एक्टिवेट किया। तो यह गल है, तो कभी आप सिंगापुर में आने की सोच रहे हो तो एस जी अराइवल कार्ड ना वो आपको 3 days पहले स्टार्ट हो जाता है, बुक कर सकते हो, बुक करके आना, और उसके बाद में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया और जो अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जरूर लेके आना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ जाती है जिनके इंग्लिश लैंग्वेज 1% भी नहीं आती, क्योंकि इनका भी यहाँ पे एक्सेंट बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है इनका, ऐसी बात नहीं है अभी ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे अपनी लैंग्वेज में होंगे, पर इंग्लिश इनकी भी अच्छी नहीं है, तो अपनी भी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, फिर हार्ड हो जाएगा ना, तो जैसे तड़न हो गया ना हाँ क्योंकि इन्होंने इंग्लिश आई नहीं, फिर मलकीत जी ने उन्होंने हेल्प की, पर इतना चल जाता है कोई बात नहीं, पर अगर आप हो तो फिर प्रिपेयर माइंड से प्रिपेयर होकर आना जरूरी है कहीं पर भी हो। बाकी यहाँ तक था सिंगापुर पहुँच गए अमृतसर से, एक्सपीरियंस ठीक है बढ़िया है, थोड़ी सी मतलब जब स्टार्टिंग में एयरपोर्ट पे आए अमृतसर पे तो वो बोले डॉलर निकालो ये निकालो वो ये, थोड़ा मतलब करते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन है नहीं होती तो भी तो थोड़ा सा वो शॉक तो करेंगे ना, पर आप माइंड से प्रिपेयर रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, माइंड से थोड़ा सा अगर लूज़ हो गए वो तो 0 level से उठाते हैं ना, आपको हीरो बन के दिखाना है ना। भाई अभी जा रहे हैं मर्सिडीज से हॉस्टल, ये अपने ड्राइवर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साउथ हॉल ब्रिज रोड, आई नो द पोस्टल कोड, द पोस्टल कोड नंबर, या वेट 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 वेट, साउथ हॉल ब्रिज रोड ओवर देयर,
I don't know about Okay, 211 211 yeah, yeah. Okay, so bhai address ho gaya. Chak bhai. Okay. So we are ready to go to hostel. Okay, thank you. Okay, okay, dinosaur. भाई ड्राइवर साहब अपने को वो भी बता रहे हैं भाई यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है यहाँ पे. थैंक यू सो मच. वेलकम. ओके भाई बड़ा अच्छा लगा. मतलब लोग बड़े कोऑपरेटिव. मौसम तो यार ऑसम है. मज़ा आ गया. सिंगापुर का देखो बादल देखो कितने तगड़े. नाइस क्लाउडी एंड गुड एटमोसफेयर. या गुड वेदर सनी वेदर. या आई लाइक इट. तो भाई मे भी यही बंगाली है. तो बढ़िया. आर यू फ्रॉम सिंगापुर? यस. ओके नाइस. तो बढ़िया लगा. Panda bear, the panda from China, also there. River safari at the zoo. Okay, river safari. Okay. The panda give birth to one cub. Panda. Give birth ready, one cub. One baby, yeah. Okay, nice. भाई ये पांडा नहीं होते जो मतलब अपने टीवी में देखा है अपने भी कि उसके बारे में बता रहा है भी उसका बच्चा दे दिया क्या कर दिया जो भी है. चलो बढ़िया. अभी जा रहे हैं हॉस्टल. ठीक है भाई. गाड़ी यहाँ पे तगड़ियाँ चलती है. माड़ी चलती नहीं ना तो अच्छा है. बाकी पीछे बैठे अपने. हाँ जी ठीक हो? नज़ारा आई जाता. नज़ारा जाई जाता पूरा जी पूरा. बस नज़ारे जो लेने सीख गए आई जाना जाना नहीं फिर. तो भाई ये है मरीना बे और यहाँ पे F1 रेस होती है जो मतलब गाड़ियों की रेस नहीं होती रेसिंग गाड़ी. वाह यार व्हाट ए व्यू फ्रॉम हियर सिंगापुर. आई लव सिंगापुर सो ब्यूटीफुल. And the race is at night, not day. Night in the city. Okay. In September? September. In September. Okay. I will come in September maybe for F1. Very expensive. Hotel. You must book now, Adi. Okay. After you book late, very expensive. Well, the hotel here, all the press are good. From all the world, the people are coming here. From all the world, the people will come here. Yes. That's why. F1, yeah. F1 रेस के लिए अगर सिंगापुर आना चाहते हो सितंबर में आइए. सितंबर विच डेट ऑफ सितंबर? एंड ऑफ सितंबर टू अर्ली अक्टूबर. ओके ओनली फॉर 4-5 डेज. लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. अगर आप F1 फॉर्मूला रेस देखना चाहते हो जो गाड़ियाँ नहीं होती वो रेस इधर होती है भाई. देखना तो सिंगापुर आइए सितंबर में. भाई सिंगापुर के भी अपने मजे हैं. सिंगापुर भी एक अच्छी कंट्री है जिसमें आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा. तो अच्छे लोग हैं यहाँ के मेरे में भी क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो हुआ है ड्राइवर साहब के साथ अच्छा हुआ है. अच्छे मतलब बंदे बोलचाल वाले बंदे हैं टूरिस्ट के साथ. अगर आप नहीं बोलोगे तो क्या बोलेंगे बेचारे है ना. सिंगापुर की इमिग्रेशन की वीडियो पूरी. मतलब अगर आप थोड़ी सी भी अगर गलती कर देते हो ना तो मेरे हिसाब से आपको सिंगापुर की एंट्री में प्रॉब्लम भी आ सकती है. पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो अगर आपको इंग्लिश भी थोड़ी कम आती है तो भी चल जाएगा. पर डॉक्यूमेंटेशन सिंगापुर में पूरी चाहिए भाई क्योंकि अगर यहाँ पे लोग पता है क्या स्टूडेंट वीजा भी बहुत आते हैं पर इनलीगल काम बहुत करते हैं भाई. ठीक है ना. आगे वीडियो मैंने वो भी बना रखी है जहाँ पे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या सिस्टम है जॉब का क्या सिस्टम है वो भी सिंगापुर की मैंने वीडियो बना रखी है. हाँ जॉब मिलती है पर स्टूडेंट्स के लिए हार्ड बोलूंगा थोड़ा सा क्योंकि मैंने एक दो रिव्यू लिए थे वो आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में. हाँ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सेटल भी हैं पर बाकियों को प्रॉब्लम भी बहुत है लड़कियों के लिए खास करके. तो वो भी वीडियो मैं आगे दिखाऊंगा आपको. तो अगर आप प्लान करना चाहते हो सिंगापुर आने के लिए तो उसको मैं एक बार बोलूंगा टूरिस्ट वीजे पे पहले आइए घूम के जाइए फिर आपको पता लग जाएगा अभी क्या सिस्टम है क्या नहीं है. किसी एजेंट को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं. एक बात और बता देता हूँ मैं
वो बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा में अगर आप सिंगापुर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो नेक्स्ट व्लॉग में आपको आएगा, ठीक है। नाइट लाइफ भी आएगी, सारा कुछ दिखाऊंगा सिंगापुर का, ठीक है। तो ये व्लॉग यहीं तक, अगर कुछ क्वेश्चन या कोई रह जाती है दिमाग में बात तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज भी सेम इंस्टाग्राम जो है उसी के ऊपर उसको ग्रुप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब वीडियोस में लास्ट वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो भेजा, क्योंकि हम नेक्स्ट ग्रुप भी लेके आ रहे हैं और अच्छे से आपको ट्रिप लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में एक दो दिन में आ जाएगा, कल आ जाएगा शायद तक। तो रेडी रहिए, ओके जी, ओके।